बोली क्या बोलन चले बादल फटना बारे में। भाई चांस देख लो दोस्तों, अगर दिन फटें तो बच्चा बच्चा उन्नी घूम दिया फट ताल पानी रोल आम खाना बानो आ गोर बकरू वाला ईद का देखो नुकसान। ईद च प्रकृति से छेड़छाड़ करे लेते ये भोगन पड़ा लन ताई। यहाँ की भानो जो हमारा पूर्वज छा गांव रोड नहीं लियाई लेकिन यू ही नुकसान हो सकता लेकिन हम गांव ने एक पत्थर में बस्यू छ तो वहाँ कारण ही देखो आज ही हम तो देखना पड़ में। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और जैसे कि आप सभी ने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने मायके आई हूँ, तो आज ना मायके में मेरा दूसरा दिन है, कल आ गई थी तो आज दूसरा दिन है, तो आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ना सुबह से बारिश वारिश और बहुत सारे चाची लोग दादी लोग मिलने आए थे तो उनके साथ बैठी रह गई। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, तो यहाँ पहले बच्चा पार्टी आ गई है, कल ही वाली बच्चा पार्टी, क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं गाँव में फ्रेंड व्रेंड दोस्त, बाकी जो चाची और भी हैं वो तो अपने घास वास के लिए गए हैं, मम्मी भी घास के लिए गई है, तो अभी यहीं पे घूम रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम छन्नी में अपनी, मम्मी घास के लिए गई तो मम्मी ने कहा तब आ जाना है, तो चलो कराती हूँ आपको गांव का सैर और दिखाती हूँ गांव के नज़ारे कैसे कैसे हो रखे हैं आजकल। और बाकी ना मम्मी का यहाँ पर छोटा सा किचन गार्डन भी है, वो भी दिखाती हूँ आपको कि आजकल कौन सी सब्जियाँ हो रखी है बरसात के टाइम पर। तो ये देखो ये सारे मेरे फ्रेंड है, ये अनिकू के आते सब खुश हो जाते हैं क्योंकि ना हमारे यहाँ गांव में छोटा बच्चा कोई है नहीं अनिकू के बराबर, तो अनिकू आती है तो सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों आजकल पूरा हरा भरा हो रखा है, चलो बाय बेटा दी अजय चैंपियन। तो दोस्तों आजकल ना गांव में मुंगरियां हो रखी हैं बहुत ज्यादा देख सकते हो आप, बाकी जो नीचे अमरूद के पेड़ में जो नीचे बेल दिख रहा है वो भी हमारी है और लौकी की बेल है वो, ये देखो दूसरी साइड के नज़ारे। तो ना जो मेरे ससुराल की एक दीदी आई थी ना उनका मायका भी यही है, तो हम दोनों साथ ही आए थे परसों बस में, ये वाली रोड है रामनगर वाली, एक हमारे गाँव से ज़्यादा रामनगर को पर एक ये भी है, उसके पीछे मेरा ननियाल है जो दूसरा वाला ढैया दिख रहा है, उसके पीछे कुमाऊं की लाइन, तेरा हमारे गांव के कुछ नज़ारे एकदम हरा भरा हो रखा है पूरे बरसात से, ये देखो। तो दोस्तों अभी हम गांव से घूम के आ गए हैं ना, थोड़ा से घूमे क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर खा रहे हैं, बाकी अभी मैं यहाँ पे हूँ मम्मी के सगोड़े में, दिखाती हूँ आपको क्या क्या लग रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं टमाटर जो कि बाजार में 150 रुपये किलो हो रखे हैं आजकल, तो यहाँ एकदम फ्री में आपको खाने को मिलेंगे। ये देखो इससे बहुत सारे टमाटर और बहुत देखो मेरा बराबर का पेड़ हो रखा है नीचे से यहाँ तक, बाकी दिखाती हूँ बैक कैमरे से, बाकी यहाँ पे ये देखो ये ना मैं यहाँ से अंगूर की टहनी लेके आई थी एक, तो यहाँ पर मैंने लगा रखी है, मम्मी को मैंने कहा यहाँ पर अच्छी जगह लगाने के लिए पानी वाली जगह में होती है, वही था कांडा एक यहाँ पे लगा रखिए, अगर हो जाएंगे तो यहाँ से ठीक है ना, यहाँ ऊपर के लिए छत के लिए एक अच्छा सा बन जाएगा। तो यहाँ पे बाकी देखते हैं मम्मी ने बाकी, ये देखो शिमला मिर्च का पौधा जो कि मैं यहाँ से पिछले बार लेके भी गई थी, ये बैंगन के यहाँ पे हैं, ये मुंगरियाँ और धनिया पत्ता देखो आजकल कहीं धनिया नहीं मिल रहा है, और ये देख सकते हो मम्मी ने धनिया भी उगा रखा है यहाँ पे, ये देखो फिर तोड़ती है फिर हाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो आज है अगला दिन, अभी सुबह के बज रहे हैं 8, तो अभी ना मैं उठ गई हूँ, नाश्ता हमने कल लिया है, यहाँ पे गौरी भी आ गई है, गौरी आज स्कूल नहीं गई, बाकी कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई, तो आज है हमारी घर वापसी, मतलब कि मायके से ससुराल जाने वाले हैं, तो बेसिकली हम तो हमने आमों के लिए आए थे, तो अनिकू को मैंने नहला दिया लेकिन कपड़े वही पहनाए क्योंकि अभी जाते टाइम तो दूसरे कपड़े बदलने ही है, तो अनिकू नहा धो के तैयार हो गए, अभी हम जा रहे हैं ऊपर रोड में, तो ये कट्टे मम्मी ने देखो आम के रख दिए हैं पैक करके, ये अनिकू ने नीचे गिरा दिया, एक कट्टा ये है, एक कट्टा ये है, दो कट्टे मम्मी कह रही है 3 कट्टे ले जा पर मैं 2 ही ले जा रही हूँ, और एक पेटी मम्मी ने पके हुए आमों की रखी है तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो सारे आम फैल रखे हैं मम्मी नीचे, ये कच्चे आम है क्योंकि 2 दिन पहले तोड़ दिए थे ना, तो इसलिए मम्मी ने कहा कहीं कट्टों में रखे पक ना जाए इसलिए ऐसे कर देते हैं इन्हें, तो एक कट्टा ये रहा, एक कट्टा ये, इन दोनों को हम ऊपर रोड में रख के आ रहे हैं, और बाकी दूसरे कमरे में पके हुए आम रखे हैं, वहाँ की अभी थोड़ी धूप निकल गई है, और यहाँ देखो ये बंदरों ने खा रखे हैं ऐसी गाय के लिए रखे हैं, ये देखो ये वाली पेटी इसमें पके हुए आम इनको ले जाऊंगी, और ये वाली पेटी भी रखी है लेकिन इनको इसको नहीं ले जाऊंगी, एक ही ले जाऊंगी, कौन खाएगा इतने आम,
कुछ यहाँ भी रखे हैं मम्मी ने, आम ही आम रखे हैं आजकल जहाँ भी देखो आप। तो अभी बस जाते हैं ऊपर रोड में रखने के लिए, फिर 11 बजे के टाइम चले जाएंगे। ये देखो कल रात इतनी तेज़ बारिश हुई, अभी धूप लग गई है, अनिकू ने यहीं पहनाया था। तो अभी चलते हैं रोड की तरफ, रोड बहुत ऊपर है यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो अभी हम गए थे आम रखने के लिए रोड में, मैं और चाची गौरी की मम्मी। ये देखो तो दो कट्टे आम रख के आए रोड में। तो अभी अभी मम्मी का फ़ोन आया कि एक बहुत बड़ी बुरी खबर मिली है कि ना हमारे गांव में बादल फट रखा है उधर की साइड। तो अभी ना हम वहीं जा रहे हैं देखने के लिए, बाकी ना मैंने 12 बजे जाना है। मतलब जहाँ पर हमारे कहा कि नई रोड बनी है तो वहीं पर बादल फट रखा है, मम्मी कह रही है। और एक बादल वहाँ ऊपर वाले रोड में भी फट रखा है, पूरा ऊपर से नीचे आ गया है पूरा, जितने भी पत्थर वत्थर थे। तो अभी जाएंगे वहाँ पर देखने के लिए। मतलब सही हुआ कि गाँव के सामने नहीं फटा, नहीं तो पता नहीं आज कितना नुकसान हो जाता दोस्तों। चलो भगवान का शुक्र है कि गाँव वाले बच गए हम सब, भगवान का बहुत बहुत शुक्र करते हैं हम। तो दोस्तों ये रही हमारी और कच्ची रोड जो कि हमारे ऊपर रोड से नीचे गांव तक आई है। तो इसी रोड पे ना बादल फट रखा है, मम्मी और कह रहे थे। तो सारे गांव वाले देखने गए हैं, तो लोग तो आ गए हैं देख के। वही था, अब हम जा रहे हैं। बहुत बुरी बात हो गई दोस्तों, बादल फटना बहुत नुकसान होता है। देखिए फोन बता रहे मलवा दी इस टाइम ना, हमने यहीं पर बुलानी थी गाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे बादल फट रखा है पूरा यहाँ से, ये देखो नीचे तक कितना भयंकर नुकसान हो रखा है। ये देखो पूरी रोड रास्ते वास्ते दब गए यहाँ से, वो देखो नीचे तक। भाई ये मंजर बहुत ही खतरनाक है, मतलब ऐसा लग रहा है ना इसको देख के। कभी यहाँ पे इतनी रोड, यहाँ यहाँ भी एक रास्ता था, यहाँ से नीचे भी एक रास्ता था, रास्ता कोई पता ही नहीं चल रहा है कहाँ। ये देखो सर रही हो गया कंधा सीधा मोड़ चले बाप रे, इतना खतरनाक पड़ रहा है दोस्तों बादल, आज पहली बार देख रही हूँ। बोली क्या बोलन चले बादल फटना बारे में भाई चांस देख लो दोस्तों, अगर दिन फटे तो बच्चा बच्चा उन्नी घूम दिया फटताल पानी रोल आम खाना बानो अब गोर बकरू वाला। ईद का देखो नुकसान, ईद प्रकृति से छेड़छाड़ करे लेते ये भोगन पड़ा ला उनता। यहाँ की भानो जो हमारा पूर्वज छा ना गाँव रोड नहीं लियाई, लेकिन यू ही नुकसान हो सकते लेकिन हम गाँव ने एक पत्थर में बसी हूँ तो वहाँ कारण ही देखो आज ही हम तो देखना पड़ में। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम घर पर वहाँ से जहाँ पे बादल फटा था, और मैंने ना नहा भी लिया है क्योंकि अभी ना मेरे जाने की तैयारी भी है। तो फिलहाल ना मैंने यहाँ पे नहा धो लिया है और खाना भी बना लिया है, 11 बजने वाले हैं। तो 11 बजे खाना खा के और 12 बजे फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि रोड भी बहुत ऊपर है, फिर अनु के साथ दिक्कत है। तो मम्मी भी आएगी हमें नंदाना तक छोड़ने के लिए, बाकी यहाँ पे ना मम्मी ने सामान रखा है तो ये सामान जो मैं साथ ले जाऊँगी, मैंने कहा मम्मी को इस बार थोड़ा ही थोड़ा रखना क्योंकि 2 महीने बाद मैंने आना है। तो फिर मैंने कहा तब ले जाऊँगी, अब बस 2 ही महीना है उसके बाद मैं फिर आऊँगी मायके, इसलिए ज़्यादा भारी नहीं जा रहा क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत आ जाती है। पता नहीं अभी रोड का भी कोई भरोसा नहीं है कि सही है या टूट रखी है, अभी कुछ पता नहीं है हमें। तो फिलहाल ऐसे जैसे गाड़ी वाले ने बोला रोड सही है, अनिक मत कर बेटा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम खाना वाना खा रहे हैं, इस वाले ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बाकी बरसात का अपना ध्यान रखना, साफ सभी स्वस्थ और मस्त रहना। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।